अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं लौकी का हलवा। हमारा ये हलवा बिल्कुल हलवाइयों जैसा बनके तैयार हुआ है। हमने इसे बनाने के लिए ना तो खोआ का इस्तेमाल किया है और ना ही कंडेंस मिल्क का, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे बनाने के लिए हमने ले लिया है फुल क्रीम दूध। 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है मैंने। इसे हमें उबालना है। इसे आधा हो जाने तक हम उबाल लेंगे। मैं यहाँ एक पैन ले ली हूँ, इसमें डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच घी। मैं ले ली हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स, आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैं इन्हें थोड़ा भून लूँगी, ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, बस हल्का भून लेना है। ये देखिए भून चुका है, मैं निकाल ली हूँ इसे। ये दूध को भी देख लेंगे हम, दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे ना। इस तरह से हम चलाते रहेंगे। मैं ले ली हूँ 1 किलो लौकी। ये देखिए मैंने इसे छील लिया है और अब मैं इसे काट लूंगी। बीच से कट करना है हमें, इस तरह से काट लेंगे इसे और इसके बीच वाला पार्ट हमें निकाल लेना है, बीज वाला जो हिस्सा होता है वो। तो इस तरह से हम कट करके इसे निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से कट कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। इसी तरह पूरे लौकी का हमें बीच वाला हिस्सा निकाल लेना है। ये देखिए मैंने सभी के बीज वाला हिस्सा निकाल ली हूँ। हम इसे ग्रेट कर लेंगे। बड़ा वाला ग्रेटर ले ली हूँ, इसे हमें जल्दी जल्दी ग्रेट कर लेना है क्योंकि ये काला पड़ने लगता है। हम जल्दी नहीं करेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। मैं दूध को भी चलाते रहूँगी बीच बीच में। आप देख सकते हैं दूध भी अच्छे से पक रहा है। देखिए हमारा लौकी ग्रेट हो चुका है, अब हम इसे भून लेंगे। मैं वही पैन ले ली हूँ जिसमें हमने फ्राई किया था ड्राई फ्रूट्स को, उसमें मैं डाल दूंगी घी। अब मैं इसमें लौकी को डाल दूंगी और इसे हम 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लेंगे। हमें अच्छे से इसे भूनना है चला चला के। दूध भी हमारा पक रहा है, वो भी पकने आया है, आधा हो चुका है लगभग। लौकी भून के हो गया है 7 से 8 मिनट तक, मैं उसे दूध में ऐड कर दूंगी। इसमें दूध में डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हमें दूध को ड्राई होने तक इसे पकाना है। मैं ले ली हूँ 1 पिंच ग्रीन कलर, उसे 1 छोटे चम्मच पानी में डाल के घोल ली हूँ और उसे हमें इसमें ऐड करके मिक्स कर लूँगी। इससे अच्छा सा कलर आ जाता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। हमने इसमें खोआ ऐड नहीं किया है, फिर भी इसमें दाने दाने दूध के दिख रहे हैं। अब मैं इसमें 2/3 कप चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी डालने के बाद ये थोड़ा और पानी छोड़ेगा, मैं उसे भी अच्छे से सुखा लेना है। आप चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूंगी, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। वन टीस्पून में इलायची पाउडर डाल दूंगी, इसका इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और अब मैं डाल दूंगी इसमें केवड़ा एसेंस, 3 से 4 ड्रॉप बस, ज़्यादा नहीं डालना है हमें। लौकी को दूध में डालकर पकाते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं इसे निकाल लूंगी बॉल में, देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, कितने आसानी से बन गया है ये। आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं। आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।